हाय फ्रेंड्स, हमारी एम सी टेक यूट्यूब चैनल में आपका ये देखिए बीप की आवाज़ आ रही है, बीप की आवाज़ आ रही है मतलब ये खराब है, और ये भी बीप की आवाज़ आ रही है मतलब ख़राब है। और पास से और दिखाओ, देखिए इसमें बीप की आवाज़ आ रही है, ये भी ख़राब है, और बीप की इसमें भी आवाज़ आ रही है, इसमें ये भी ख़राब है। फ्रेंड्स, ये जो चार डायोड हैं ये ख़राब हैं, अगर ये सही होते तो इसमें आवाज़ ना आती, तो ये अगर ये सही होता है तो आवाज़ नहीं आती है। आप दोनों एंगल से आप देख लीजिए, देखिए आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, देखिए दोनों साइड से आवाज़ आ रही है, यानी ये ख़राब है डायोड, और ये ख़राब होने की वजह से ये जो फ्यूज अपना ये ख़राब हो गया है। फ्यूज ख़राब होने की वजह से There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back.
like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. और काट दिया है. अब हम अपने इस फ्यूज को चेक करेंगे कि हमारा जो फ्यूज है हम उसको सोल्डरिंग करेंगे. यहाँ पे फ्यूज लगाएंगे. फ्रेंड जैसा कि अब हम यहाँ पे फ्यूज लगा रहे हैं. हमने पहले भी चेक कर लिया कि हमारा जो फ्यूज है वो ख़राब है. अब हम यहाँ पे फ्यूज लगा देंगे. तो हमने एक बार ले लिया है और सोल्डरिंग से ये पे कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने सोल्डरिंग कर दिया है. और इसके बाद हम इस ब्लेड से काट देंगे. अब जो हमारा फ्यूज है वो सही हो चुका है और हम ये इसको टेस्ट कर लेंगे. तो ये मैंने मीटर से अपने मीटर को पहले टेस्ट करेंगे. इसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे. ये भी मीटर सही है और ये भी सही, मेरा फ्यूज सही हो चुका है. और इसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे. ये फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं जैसे कि बीप नहीं आ रहा है और इसमें बीप नहीं आ रहा है, किसी भी साइड से बीप नहीं आ रहा है. तो फाइनली मेरा जो सप्लाई है वो मेरे ख्याल से हो चुकी है और हम इसको अब टेस्ट करेंगे. तो आइए टेस्ट करते हैं. तो मेरे पास फ्रेंड्स, अब हम कार्ड को मेजर करने से पहले हम ये जो अपना मीटर है हम पहले यहाँ पे कर लेंगे 20 डीसी पिन कर लेंगे, क्योंकि ये डीसी जो है ये जो सिम्बाल से वो डीसी काम करता है. तो हमारे यहाँ से और यहाँ तक डीसी काम करेगा तो हमारा जो कार्ड है वो 20 के अंदर ही होता है वोल्टेज. तो हम इसको 20 में कर लेंगे. तो 20 में हमने सेट कर लिया है और अब आते हैं साइड पे. तो हमारा जो मीटर है हम मीटर को ग्राउंड में कर लेंगे. तो हमने ग्राउंड में कर लिया है और यहाँ पे वोल्टेज जो है प्रिंटर के लिए आउट होता है. ये जो होता है सर्किट होती है, ये सर्किट में यहाँ से प्रिंटर के लिए आउट होता है. तो हमको प्रिंटर में यहाँ से वोल्टेज मिलता है इस सप्लाई से. तो हम यहाँ पे ना मेजर करेंगे कि हमारे इसमें कितना आना चाहिए. तो हम इसको पहले ग्राउंड में कर लेंगे, ये ग्राउंड को. तो हमने इसमें एक ग्राउंड में सेट कर दिया है और यहाँ पे मेजर करेंगे. तो मैंने मेजर किया है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 6.13 आ रहा है. ये दिखाओ और फिर से हम दूसरे मेजर में करेंगे. फ्रेंड्स वहाँ पे देखिए 2.8 आ रहा है और फिर से यहाँ पे दिखाओ दूसरे में. अब हम दूसरे में कर रहे हैं. फ्रेंड्स वहाँ पे दिखाइए, फ्रेंड्स वहाँ पे 6.13 आ रहा है देखिए. और दूसरे में देखा ना. और फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं 14.7 आ रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं. तो इस प्रकार से अपने प्रिंटर को जो है वोल्टेज आप नाप सकते हैं. और फाइनली मेरी जो सप्लाई है वो सही हो चुकी है और जो वोल्टेज है वो अप डाउन भी नहीं हो रहा है. तो उधर दिखाओ. तो हमारे ख्याल से जो हमारी सप्लाई है वो सही हो चुकी है. फ्रेंड्स फाइनली हमारा जो प्रिंटर है वो चालू हो चुका है और ऑन हो चुका है. और जैसा कि आप देख पा रहे हैं रेडी है. बटन प्रेस करो.